हेलो दोस्तों, समीदा खातून ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आप लोग ठीक हैं, हम लोग ठीक हैं, दोस्तों आप भी ठीक रहें और आपका परिवार भी ठीक रहे। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो मैं शुरू कर रही हूँ, तो आप लोग देखते ही देखते वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों अभी मैं तो घर का नाश्ता उस्ता बनाई हूँ और बना करके और जा रही हूँ, अभी झाड़ू उरू लगाऊँगी। दोस्तों इसको अच्छे से झांक देती हूँ, नहीं तो कचरा पड़ जाता रहता है तो चलता ही नहीं रहता है। झाड़ू उरू लगा लेती हूँ। दोस्तों यहाँ पूरे में ये अभी इसको लबेरी हूँ, नहीं वो चूहा है ना, चूही या सवन सभी पूरे को मट्टी छोड़ देता रहता है सभी में। तो दोस्तों मैं बाहर ली और सब कुछ सफाई कर दिया हूँ। तो चलिए दोस्तों मैं थोड़ा जलावन ले आती हूँ। तो दोस्तों यही है हमारा जलावन, मैं जलावन के पास आ गई हूँ। ये पहले से काट करके रखे हुए हैं। तो दोस्तों अभी हमारे पास गैस नहीं है, तो मैं अभी मिट्टी के चूल्हे पे खाना बना रही हूँ, तो जलावन काट करके रखना पड़ता है। और ये बहुत भारी जंगल है, इसमें से मैं जलावन काटी हूँ, ये जंगल में से काटी हूँ। ये लकड़ी है, सिकट का लकड़ी है ये। ये बहुत अच्छा सूखने, अभी तो कच्चा है, सूखने के बाद ये बहुत अच्छा जलता रहता है। तो इसको मैं भी बांध लेती हूँ। इब्राहिम इसमें मत हो झरा, तो तार तो छोड़ दे। तो दोस्तों मैं बोझा बांध रही हूँ और छोटे सा बोझा बांधूँगी, इसलिए रखने का जगह कम है। तो बांध के और ले जा कर के, और छोटा छोटा रहेगा तो सही से रख दूँगी। चलिए दोस्तों अब मैं बोझा बना रही हूँ इसका, और अभी मैं बाहर रहती थी तो बोझा उझा छूट गया हुआ है। हैदराबाद में थे तो ये तो जलावन जलाती थी नहीं, लकड़ी के खाने से तो खाना बनाती थी नहीं, तो ये बोझा छूट गया हुआ है तो बांधने भी अभी नहीं आ रहा है। तो दोस्तों अब बोझा बना गया हुआ है, तो मैं बोझा लेकर के अब चल रही हूँ घर। चलिए दोस्तों अब तो चलिए दोस्तों मैं जलावन लेकर के आ गई हूँ, पर्दा साइड कर। दोस्तों ला करके मैं जलावन रख दिया हूँ। तो चलिए दोस्तों मैं अभी बकरे को पत्ता खिला देती हूँ, खा ले खो। चलिए दोस्तों तो मैं अभी जलावन काट करके ले आई हूँ। तो आप लोग हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिए। और ये वीडियो हमारा यहीं तक के है, फिर दूसरी वीडियो में आपसे मिलेंगे।